ना राहुल ना प्रियंका, 4 जून को बजेगा बीजेपी का डंका। बीजेपी का जो काम है वो सबको दिख रहा है, कांग्रेस है कि उनका खाली लड़ाने काम है, इनको लड़ाइए जाति के नाम पे, रोजगार के नाम पे। बात नहीं, इन लोगों में जब बड़ा दिल नहीं है तो मैं इन लोगों को बड़ा नेता नहीं मानता साहब। ऐसी पार्टी में क्या रह के जहाँ पे उनकी खुद की पार्टी इज्जत नहीं कर रही है, इसलिए वो बीजेपी में आ रहे हैं सर। अब आज जब मोदी जी ने, गडकरी जी ने पूरे रोड बनवा दिए तो राहुल जी को चिंता हो रही है। परिवारवाद, तुष्टिकरण, कांग्रेस की नीति शुरू से रही है डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाली, और बीजेपी की नीति रही है यूनाइटेड एंड रूल, एकजुट और शासन व्यवस्था। अगर हम आवाज उठाएंगे हमें ईडी सीबीआई का से डराया जाएगा। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत, मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हम आए हैं दिल्ली में, और आज हम दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, या फिर बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं, उनकी विचारधारा की बात कर रहे हैं, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, उसके बाद में गौरव वल्लभ हो, रोहन गुप्ता हो, और हाल ही में जो कांग्रेस की कद्दावर प्रवक्ता कही जाती थी राधिका खेड़ा, उन्होंने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है? अब चुनाव के वक्त, जब चुनाव चल रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, यही जानने के लिए आज हम दिल्ली आए हैं, और यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? बीबी शर्मा। आप कैसा विचार रखते हैं? देखिए, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कांग्रेस का हाथ छोड़ करके बीजेपी के साथ जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कौन से बड़े नेता के नाम लेते हैं आप इसमें? जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम हो गए, राधिका खेड़ा हो गई, और रोहन गुप्ता गौरव वल्लभ प्रवक्ता थे, 3 बार उनको टिकट दिया बड़ा। अरविंदर सिंह लवली है, वही बात मैं कह रहा हूँ, आप आते हैं ना उनके नामों पे। गौरव वल्लभ साहब को 3 बार का टिकट दिया था, जनाधार उनका कुछ था नहीं, 3 बार हार के आ गए, तो कैसे बड़े नेता हो गए वो? किसी सिर्फ बोलने से कोई बड़ा नेता थोड़ी हो जाता है। मैं भी बहुत अच्छा बोलता हूँ, लोगों की बढ़िया तारीफें सुनता हूँ, तो क्या मैं बड़ा नेता हो गया? राधिका खेड़ा की बात रही, राधिका खेड़ा साहब का भी निकल के आ रहा मसला सामने सारा का सारा, कि उन्होंने अपने वहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोई उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, उनकी मदर की कोई कंपनी थी जिसका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके करोड़ों रुपये फंसे हुए थे उसमें, इतने में सरकार पलट गई। अब उनका पैसा फंस गया तो सीधा सीधा गवर्नमेंट ने उनको डंडा दे दिया, या तो जय श्री राम बोलो या फिर पैसा भूल जाओ, तो क्या करे आदमी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। बस रही बात अरविंदर सिंह लवली जी की, पिछले 5 साल से आराम से अपनी कोठी में मस्त एसी की हवा ले रहे थे, सड़कों पे एक बार भी उनका प्रदर्शन नहीं उतरे, नहीं ठीक है, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने उनमें हिम्मत दिखाई, जताया विश्वास जताया, उसके बाद वो छोड़ के चल दिए कि जी मेरी उपेक्षा हुई है। अरे भाई, आपको ये भी तो देखो कि आपको वेटेज कितनी दी गई थी, आपको दिल्ली सरकार में मंत्री भी बनाया गया था, आपको उसके अलावा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया गया था, आप एक बार के सोच के कि मुझे वेटेज नहीं दी गई, तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि किसी और को आने वाले को भी आगे रास्ता साफ करो? तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, इन लोगों में जब बड़ा दिल नहीं है तो मैं इन लोगों को बड़ा नेता नहीं मानता साहब। जी, आपका नाम क्या है? जसविंदर सिंह। आप पाजी क्या सोचते हैं, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो उनका साथ छोड़कर बीजेपी के साथ में जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सर, डर है सीबीआई ईडी का, प्रेशर है कि अगर बीजेपी में नहीं जाएंगे तो उनकी सीबीआई ईडी रेड डाल डाल के सारा कमाया माल बाहर निकाल लेंगे। मुझे तो आने वाले समय में लग रहा है विपक्ष खत्म ही ध्वस्त ही हो जाएगा, वो डर के मारे, कोई रास्ता ही नहीं है दूसरे के पास, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब लवली को ही देख लीजिए, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी में चले गए, इसका मतलब साफ है डर की। मतलब कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि सत्ता के साथ में रहना चाहते हैं, सत्ता का सुख चाहते हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी, मोस्ट सेल्फिश पीपल, वो ये देख रहे हैं जिसकी सरकार चल रही है उसी के साथ मिल जाओ, अच्छाई बुराई तो गई बाहर में। जी, आपका नाम क्या है? राज। क्या सोचते हैं आप, जो कांग्रेस के नेता, जो बड़े नेता हैं, वो बीजेपी के साथ में जा रहे हैं, ठीक चुनाव के समय, चुनाव से पहले, चुनाव के वक्त, क्या किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? जी देखिए, ये जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स में हरासमेंट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, टॉर्चर। अब जाहिर सी बात है, हमारे बीवी बाल बच्चे को जब टॉर्चर किया जाएगा, हमें ये ब्लैकमेल किया जाएगा कि तुम मतलब सच मत बोलो, अगर हम आवाज़ उठाएंगे हमें ईडी सीबीआई का से डराया जाएगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने बीवी बाल बच्चे के लिए हम पहले अपनी जान को बचाएंगे ना, तो इस डर से लोग जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा, और उसे सीबीआई ईडी दिखा करके डराया जा रहा है, इस वजह से लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और वहाँ जाते ही अच्छा जो बीजेपी का इल्ज़ाम होता है, जब तक विपक्षी पार्टी में होती है तब तक जो इल्ज़ाम होता है, जैसे ही वो बीजेपी में जाता है पूरा वॉश हो जाता है,
एकदम गंगा जल की तरह एकदम धुल के साफ नेक बन के निकलता है। तो बस यही चीज़ है जी, मेन मोटिव है, उसको डराया जा रहा है, ईडी सीबीआई से डरा के सबको इधर से उधर ट्रांसफर करवाया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, इनका कहना है कि डर के मारे लोग जा रहे हैं, कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके कैसे विचार हैं। जी आपका नाम क्या है? रजत। आप क्या सोचते हैं कि क्या कारण है उसके पीछे? ईडी सीबीआई से कौन डरेगा? अगर आपके ऊपर ईडी लग जाए, सीबीआई लग जाए, तो क्या आप डरोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डरोगे? आप तब डरोगे जब आपने कुछ गलत कर रखा होगा, आपने खा रखा होगा। तो क्या सारे जितने भी विपक्ष के लोग हैं अगर वो ईडी सीबीआई से डर रहे हैं, तो पहले इसका मतलब ये हुआ कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष के अंदर हैं, पहली बात तो ये हुई, ठीक है जी। और अगर ईडी सीबीआई से डर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ किया हुआ है आपके हिसाब से? भाई मेरे ऊपर ईडी लग गई, सीबीआई लग गई, मेरे पे है ही नहीं कुछ एक्स्ट्रा, तो मैं किस बात से डरूंगा? तो ये खुद ये इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि विपक्ष के अंदर अधिकतर लोग जो है वो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने पैसा खा रखा है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। कोई ईडी सीबीआई का डर नहीं है, मुझे डर नहीं है, मेरे ऊपर लगा दो ईडी सीबीआई, क्या होगा? चार धक्के खाऊंगा, पाँच छह दिन अपने घर में आ जाऊंगा, मेरे पे ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। तो ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ कर रखा है तो डरना चाहिए, इसमें क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि सत्ता के साथ में रहना चाहते हैं नेता, इसलिए आ रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है, ये सबकी ये कह सकते हैं कि सबकी महत्वाकांक्षा होती है समय के हिसाब से, उन्हें विपक्ष में कुछ नहीं नजर आ रहा अपन भविष्य, तो वो सत्ता के साथ जा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? ये तो आप भी है, आप एक चैनल के साथ है, आपको लग रहा है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही तो आप दूसरे चैनल की ओर जाएंगे, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो गलत नहीं है। मगर ये कहना कि ईडी सीबीआई का डर है, ये पूर्णतः झूठ है, और अगर ये सच है तो सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष के अंदर है, इसका मतलब ये होगा। केजरीवाल जी ने क्या दिल्ली के अंदर, उससे पहले कांग्रेस रही है, शीला दीक्षित की सरकार, आज जो दिल्ली ये डेवलपमेंट का काम जो हुआ, तमाम पोल वगैरह जो है सबकी शीला जी की देन है, और शीला जी के बाद में आए केजरीवाल, जो केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है दिल्ली के अंदर। ये नीली बस जा रही है, ये औरतों के लिए फ्री पढ़ाई, बिजली, पानी, ये फ्री, महिलाओं के लिए 60 सालाना विधवा पेंशन, ये केजरीवाल जी दे रहे हैं 2500 रुपये। MBA डबल MA वाले आज रिक्शे चलाते फिर रहे हैं, आप जाकर देख लो, काम बिल्कुल देश के अंदर नहीं, बेरोजगार इंसान है, इंसान के लिए ये काम है ना, तो बेकार आदमी। मगर आने वाली सरकार चेंज हो जाएगी, ये मैं दावे से कराऊं, गठबंधन की सरकार 100 के 100% बनेगी, 100 के 100%, कोई कह रहा 1%, मैं 100 के 100% दे रहा हूँ। बिहार में भी आधी से ज़्यादा सीटें तेजस्वी लेगा, और उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन आधी से ज़्यादा सीटें लेगा, ले रहा है। टोटल मतलब कितनी सीटें आ जाएंगी? टोटल मान लो 400 सीटें, ये करेंगे 400 हमारी, 400 आ रही है गठबंधन की। चलिए देखिए, इनका कहना है कि इंडिया गठबंधन की 400 सीटें आएंगी, नतीजे आएंगे तब हम देखेंगे कि होता क्या है। जी क्या नाम है बाबूजी आपका? बीएस मिन्हास। आप बताइए, ये जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं ठीक चुनाव के समय, इसके पीछे क्या कारण है? कारण साफ दिखाई दे रहा है, उनकी नैया डूबती दिखाई दे रही है, बीजेपी की लहर चल रही है, मोदी मैजिक चल रहा है, इधर बीजेपी में आएंगे तो उनका भविष्य उज्ज्वल है, उधर तो अंधकार में है, कांग्रेस तो खत्म हो रही है, कांग्रेस में कौन जाएगा? लवली जी भी आ गए हैं, सारे छोड़ छोड़ के आ गए, जितने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे सारे बीजेपी में आ गए हैं, या इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट तो कम है, बीजेपी में सारे आ गए। देखिए लोग तो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि डर के मारे, ईडी सीबीआई के डर के मारे वो लोग आ रहे हैं। भाई साहब मेरी बात सुनिए, आप काम कर रहे हैं ना, मैं काम कर रहा हूँ, हम लोग ईडी सीबीआई जो गलत करेगा उसी को तो पकड़ेगी। पहले ईडी सीबीआई इंक्वायरी करती है 3-3, 6-6 महीने, अगर कोई दोष होता तब उनके ऊपर हाथ डालती है, ऐसे कोई किसी को नहीं पकड़ता। पुलिस वाला भी तभी पकड़ेगा जब किसी ने जेब काटी होगी, चोरी की होगी। और पूछिए, इसके अलावा क्या लगता है आपको कि कितनी सीटें आ रही हैं इस बार, खासकर पूरे कह रहे हैं कि कम वोट परसेंटेज इस बार हो रहा है तो बीजेपी का नुकसान हो रहा है? भाई साहब गर्मी के कारण वोट परसेंटेज कम है, 56%, 58%, 60-62% हो रहा है, गर्मी में लोग नहीं निकल रहे हैं, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, मतलब उससे बीजेपी का कोई नुकसान नहीं है? नुकसान तो सारी पार्टियों को है, जब वोटिंग कम होगी तो सारी पार्टियों को नुकसान है, बाकी जीत बीजेपी की ही होगी, बीजेपी ही सरकार बनाएगी, ना राहुल ना प्रियंका बेटे, ना राहुल ना प्रियंका, 4 जून को बजेगा बीजेपी का डंका। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। चलिए देखिए, इनका कहना है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, बीजेपी सरकार ही आ रही है, ऐसा ये मानते हैं। जी भाई साहब क्या नाम आपका? अमित गुप्ता। क्या सोचते हैं आप, जो कांग्रेस के नेता विपक्ष के नेता अपना पार्टी का साथ छोड़ करके साथ में आ रहे हैं बीजेपी के, क्या कारण है?
ऐसा है कि बीजेपी का जो काम है वो सबको दिख रहा है, कांग्रेस है कि उनका खाली लड़ाने काम है, इनको लड़ाइए जाति के नाम पे, रोजगार के नाम पे। हम कहते हैं बेरोजगारी कहाँ पे है, बेरोजगारी है मिलता है, हम तो दुकानदार हैं, हम तो मतलब व्यापारी हैं, हम तो कहते हैं कि अब पहले के समय के अपेक्षा अब आपको बेरोजगारी कम हुई है, इनकम बढ़ गई है लोगों की। पहले सिलेंडर के लिए हम जाते थे, हमें याद है कि हम भोर में जाते थे, 4 बजे जाते थे साइकिल लेके सिलेंडर की लाइन लगाने, और मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा इसका पता नहीं। अब क्या है कि हम फ़ोन कर देते हैं, सिलेंडर घर पे आ जाता है। और महंगाई तो सब में बढ़ी है, सब देशों में बढ़ी है, कहीं इसमें बढ़ गई तो क्या बढ़ी है। और हम बनारस के हैं, और बनारस में 10 साल में अभी बहुत अंतर आया है, बहुत। आप समझिए कि हम देखते हैं कि वहाँ पर रोपवे वगैरह काम चल रहा है अच्छा खासा, कितने एक्सप्रेसवे बन गए हैं, बहुत मतलब इतना बदल दिए हैं मोदी, इतना बदल दिए हैं। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि देखिए विकास हुआ है तो कर्ज भी तो देश के ऊपर बढ़ गया है। देखिए ऐसे देखा जाए तो कर्ज दो तरह का होता है, वो कर्ज दूसरा है, ये जीडीपी के हिसाब से है। कर्ज हर देश पे, अमेरिका भी कर्ज है, आप अगर सही लॉजिक से देखेंगे तो कर्ज नहीं है, वो एक तरह का व्यापार में निवेश हुआ है। अब इस निवेश को लोग कर्ज का नाम देंगे तो भाई हर चीज़ का तो एक एक न एक मतलब ही निकलता है। हम कहते हैं कि भाई वो कर्ज नहीं निवेश है, और बेरोजगार भी बहुत कम हुई है, इनकम बढ़ा है। और ये मतलब आपके हिसाब से बढ़िया काम हो रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक अंकल जी, क्या नाम आपका? वीरेंद्र सिंह। आप क्या सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं है? अच्छा सोचते हैं, मतलब सरकार ठीक काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है जी। जो विपक्ष के नेता सरकार के साथ में जो जा रहे हैं, अब जब चुनाव चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उनके सामने कोई मुद्दा नहीं है जाना, जो जुड़े थे कि पार्टी हमारी ग्रोथ करेगी, आपस में लड़ाई, कमेटी का कोई सिस्टम नहीं, तो हर आदमी अच्छा स्थान, सेफ स्थान ढूंढता है कि हमारी जो छवि है ये बिगड़ने ना पाए अच्छी पार्टी की तरफ। तो उनकी नज़र में अगर बीजेपी अच्छी दिखाई दिया तो बीजेपी को पढ़ा उन्होंने। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी अच्छा काम कर रही है, इस वजह से वो अपनी पार्टियों का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ में आ रहे हैं? जी 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 जी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए ईडी सीबीआई के डर से डर के आ रहे हैं। ईडी सीबीआई का तो अलग काम है, सिस्टम ही उनका अलग है। अगर कोई कोई डकैती किया है, देश के साथ घोटाला किया है, तो ईडी सीबीआई तो पहले की सरकार में दबा दिया जाता, अभी इलेक्शन है, अभी इस मुद्दे को मत छेड़ो, आज तुम अपना काम करो हम अपना काम करेंगे, आज का सिस्टम ये है। उनको ये नहीं है कि सरकार हमारी रहे या ना रहे। मतलब जो विपक्ष के नेता हैं एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं, इस वजह से बीजेपी में आ रहे हैं जी। अच्छा दूसरी बात, हम अमेठी से हैं। अच्छा अमेठी में क्या चल रहा है? अमेठी में अब वही तो मेन तो जड़ कांग्रेस है, राहुल जी हैं, सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी तो जयपुर के रास्ते, राजस्थान के रास्ते चली गई लोकसभा में, बचे राहुल जी। अमेठी में अगर राहुल जी होते तो हो सकता था कुछ लड़ाई हो सकती थी, लेकिन कुछ ही भी। रायबरेली में जहां गए हैं वहां भी इनके लिए कोई स्थान नहीं है। चलिए देखिए वो तो नतीजे आएंगे तब तो पता चलेगा कि हकीकत है क्या और क्या। सुनिए भैया, हम यहीं पे रहते हैं, वोटिंग तो हमारी नहीं हो पाएगी अमेठी में, क्योंकि नहीं जा पाएंगे वोटिंग के समय, हम नहीं जा पाएंगे हैं। लेकिन 5 विधानसभा क्षेत्र हैं अमेठी में, 5 विधानसभा रायबरेली में हैं, यहाँ पे 5 विधानसभा में 3 बीजेपी के अंडर में, अमेठी के 2 सपा के हैं, गौरीगंज और अमेठी दोनों सपोर्ट कर रहे हैं स्मृति जी का, तो 5ों हो गए भी। मतलब आपका कहना है कि मतलब बीजेपी वहाँ भी जीत जाएगी, ऐसा ही यही है ना दोनों जगह? चलिए ठीक है, देखिए नतीजे आएंगे तब इस बारे में बात करेंगे, आज का विषय। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे चाचा, आपसे बात करेंगे 4 जून के बाद जरूर आना। ठीक है बिल्कुल, महादेव करेंगे उसके बाद। ठीक है ठीक है ठीक। जी भाई साहब आपका नाम क्या है? मुकेश कोहली। क्या सोचते हैं आप विपक्ष के नेता, खासकर कांग्रेस के जो बड़े नेता, कद्दावर नेता, प्रवक्ता जो चुनाव के समय बीजेपी के साथ आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि देखिए ईडी सीबीआई के डर से इसलिए आ रहे हैं। सर उन्होंने खुद बोला है कि हमारा नेता कोई काम ही नहीं करने देता हमको। ऐसी पार्टी में क्या रह के जहाँ पे उनकी खुद की पार्टी इज्जत नहीं कर रही है, इसलिए वो बीजेपी में आ रहे हैं सर। ये हमारा कहना, हमारा कहना नहीं है, ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है।
उनकी पार्टी में अभी जो लेडीज है राधिका खेड़ा, हाँ राधिका खेड़ा, आप वहीं देख लो सर, मतलब एक महिला जो तुम्हारी पार्टी की अध्यक्ष है तुम उसका उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हो, तुम देश का सम्मान कहाँ से करोगे? मतलब कहीं ना कहीं विचारधारा के साथ में मैच नहीं खा रहा है, इसी वजह से पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, क्यों कांग्रेस एक भ्रष्टाचार पार्टी हो चुकी है सर, अब देश जान चुका है। इन लोगों ने शुरू से अगर ये धर्म के आधार पर राजनीति लड़े हैं, अगर ये एक जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, मेरे भारत के 125 करोड़ आदमियों के लिए मेरे सारे भारतवासी भाई बहन हैं, तो एक राहुल गांधी जी कभी नहीं बोलते हैं। ये तो इनके विचार क्या होते हैं, आपको उनका यही पता नहीं यार, आप प्रधानमंत्री के लिए उठ रहे हो यार, कोई मजाक बात है? आप फूंक भी मारोगे तो कैमरे के सामने मार रहे हो, हैं? अब उनने बोला बोला उन्होंने एक चीज़ बोला, बोला हम शक्ति शब्द जो होता है वो ख़त्म कर देंगे, और जो वहाँ पे इटालियन बोलता है मतलब सनातन धर्म डेंगू मलेरिया ये है, आप ऐसे ऐसे को समर्थन कर रहे हो सर, तो हम लोग आपका साथ कहाँ से देंगे? ये बड़ी समझने वाली बात है। आपने बोला हिंदुस्तान है, बाबा साहब के संविधान को सारे हिंदुस्तान मानता है, भारत मानता है, तो आप एक चीज़ बताओ, बाबा साहब का संविधान का भारत जब लिखा गया था बोला एक देश एक कानून के तौर पर लिखा गया था, ठीक है, तो सर अब इसी में मुस्लिम वक्त वोट लो क्यों अलग से बनाया गया, ठीक है, आपने ऐसे फिर हिंदू वक्त बोर्ड ही बना देते, हिंदू धर्म बोर्ड बना देते, मस्जिद धर्म बोर्ड मतलब मुसलमानों का बना देते, हिंदू का बना देते, सिखों का बना, सभी का बनाते, आपने सर एक तरफ पर क्यों चाल चली? मतलब सब हमारे समझ में आ गया, आज का हिंदू सब जगने लगा है और राहुल गांधी को भगाने का पूरा पूरा काम करेंगे। इटली से आया था राहुल, इटली से आया था, इटली ही जाएगा। अब आज मोदी जी ने गडकरी जी ने पूरे रोड बनवा दिए तो राहुल जी को चिंता हो रही है, इनकी दादी नाना जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी कौन कौन जन सोनिया गांधी और राजीव गांधी सब बने रहे, तब तक किसी को चिंता नहीं हुई, फूड डालो राज खाओ हैं। अब मोदी ने अब क्या कर दिया, रोड बन गए, कितने एक्सीडेंट कम हो गए ना, इन्होंने 8वीं तक शिक्षा फ्री कर दी थी, कोई पास नहीं होगा, कई बार जो आदमी अपना शिक्षा का अधिकार नहीं जान पाएगा। चलिए ठीक है, देखिए इनका कहना है कि जो मोदी सरकार है बीजेपी की सरकार है अच्छा काम कर रही है, इसी वजह से लोग प्रेरित होकर के वो कांग्रेस का या किसी भी विपक्षी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जी भाई साहब क्या नाम है? महेंद्र सिंह राजपूत। कैसा सोचते हैं ये जो कांग्रेस के नेता हैं बीजेपी में आ रहे हैं धीरे धीरे, उनके जो मेन नेता हैं प्रवक्ता हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी जी ने एक यात्रा की थी भारत जोड़ो, उसके बाद उन्हें भारत जोड़ो के बाद उनकी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के कुछ ही पार्षद एमएलए एमपी ने भारत जोड़ो के बाद भाजपा जोड़ो कर दिया, और अरविंद सिंह लवली की बात है, प्रमोद कृष्ण की बात है, ये राधिका खेड़ा जो अच्छी प्रवक्ता थी उनके, तो परिवारवाद तुष्टिकरण कांग्रेस की नीति शुरू से रही है डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाली, और बीजेपी की नीति रही है यूनाइटेड एंड रूल एकजुट और शासन व्यवस्था। एक नेता और नेतृत्व क्या होता है मोदी जी से सीखना चाहिए। राहुल गांधी जी के लिए न राजनीति बनी है न राजनीति राहुल गांधी जी के लिए, तो राहुल गांधी जी को पॉलिटिकली और मैच्योर होना पड़ेगा कि विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, उनको मजबूत होना कहाँ वो गलती कर रहे हैं। अभी उन्होंने बयानबाजी की थी कि भारत के राजा महाराजे जमीन लूट ले जाते थे, बताओ ऐसी फिजूल बयानबाजी, कितने राजा महाराजे आए इतिहास में जो हिंदू या सनातनों की जमीन लूट जाते थे, ऐसा तो हुआ नहीं है इतिहास में, तो उनको कहाँ किस वक्त कौन सा बयान करना उसको पता ही नहीं है, तो ये पॉलिटिकल मैच्योर नहीं, उसका गलती है। और एक नेता और नेतृत्व का समझ होना चाहिए, पॉलिटिक्स का और राजनीति का समझ होना चाहिए, जैसे मोदी जी ने प्राचीन भारत और आधुनिक भारत का समन्वय किया है, राजनीति नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र का समन्वय किया, तो उनको पता नहीं होता किस वक्त क्या बोलना क्या एजेंडा ला उनका, देखो ये न्याय पत्र आया क्या आया, कोई दम ही नहीं है। संकल्प पत्र में तो मोदी ने बता दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, NRC आएगा, और 19 में जो बोला था वो तो कर दिया, उसी से लागू कर दिया उत्तराखंड से 35 से 370 तीन तलाक राम मंदिर क्या क्या नहीं किया, कुछ मुद्दे असूते हुए हैं तो वो आने वाले टाइम में कर लेंगे, क्योंकि 14 में गड्ढे नए, दूसरे में नया भारत और तीसरे में ऐतिहासिक भारत समृद्ध भारत की तरफ मोदी जी ले जा रहे देश की दिशा। विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि उनको झूठा करके फसला करके धीरे धीरे विपक्ष के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, उनको बहलाया जा रहा है, नहीं तो उनके ऊपर ED CBI की कार्रवाई करेंगे, इसलिए वो आ रहे हैं बीजेपी के साथ आ रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कारण, एक पहला तो उनके में नेतृत्व नहीं, परिवारवाद तुष्टिकरण, और राम मंदिर 22 प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो बहुत नेगेटिव मैसेज गया है कि भाई क्यों नहीं गए, क्यों पहले न्योता नहीं मिला और न्योता मिला तो ठुकरा दिया, जैसे न्योता उन्होंने ठुकराया ऐसे 24 में लोकसभा में जनता उनको ठुकराने वाली है, विपक्ष में भी बैठने की लायक नहीं छोड़ेगी वो पक्का है, बिल्कुल पक्की बात है। जी आपका नाम क्या है, क्या आप सोचते हैं? राजेश गुप्ता।
क्या सोचते हैं जो कांग्रेस के नेता आ रहे हैं कांग्रेस का हाथ छोड़ करके बीजेपी के साथ में, इसके पीछे क्या कारण है? देखो जी, बीजेपी में वो आ रहे हैं तो कांग्रेस ने ऐसा गलती किया है जो उसमें शामिल हो रहे हैं। 70 साल उन्होंने क्या किया है, 70 सालों से ये थे, क्या किया है इन्होंने? अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे को रोजगार नहीं मिल रहा इस टाइम, तो हम ये पूछते थे उनके घर में 10 लोग हैं, आपके सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, आप उस टाइम में सरकारी नौकरी क्यों नहीं थी, क्या कांग्रेस ने दिया नहीं नौकरी आपको? तो इसलिए मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी ने क्या नहीं किया, हर चीज़ किया, आप देख लीजिए, एम्स में देखिए, कहीं भी देखिए, सब काम किया मोदी जी। आएंगे चार तो पार। आज हमारा ये कांग्रेस की अंदरूनी कमी है जिस वजह से उनके नेता उनका साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ में आ रहे हैं। अगर मेरे पिताजी में कमी होगा तो मैं पिताजी को हाथ छोड़ सकता हूँ? तो ऐसे ही उनके कमी थे तो उनके बच्चे लोग छोड़ रहे हैं उनके हाथ से। तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ पर लोगों से बात की, उनका कहना है कि बीजेपी की लहर चल रही है जिस वजह से जो विपक्षी नेता हैं वो बीजेपी सरकार के साथ में आ रहे हैं, उनको पता चल गया है कि बीजेपी की सरकार दोबारा से आ रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है क्योंकि ईडी सीबीआई का डर नेताओं को सता रहा है जिस वजह से वो ठीक चुनाव के वक्त बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए क्योंकि वो जांच से डर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। अब हकीकत क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है, ये तो कुछ दिनों बाद जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे हमें तब पता चल ही जाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण था। क्या वाकई इस बार बीजेपी सरकार आ रही है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है जिस वजह से वो अपनी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, डीएनपी इंडिया। नमस्कार।